बॉक्साइट बॉक्साइट एल्युमिनियम धातु का प्रमुख स्रोत है भारत में बॉक्साइट के प्रचुर भंडार हैं भारतीय भूगर्भिक सर्वेक्षण विभाग के अनुसार 2010 में कुल भंडार 348 करोड़ टन था देश के कुल अनुमानित भंडार का लगभग आधा ओडिशा राज्य में है इसके अलावा आंध्र प्रदेश गुजरात छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में बॉक्साइट के भंडार हैं ओडिशा के कालाहांडी कोरापुट संबलपुर बलांगीर और क्योझर जिले आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम जिले मध्य प्रदेश के शहडोल मंडला और बालाघाट जिले तथा छत्तीसगढ़ के सरगुजा बलरामपुर रामानुजगंज और कोरबा जिले में बॉक्साइड के विशाल भंडार हैं कोयला ऊर्जा के स्रोतों में कोयला प्रमुख संसाधन है प्रारंभ में कोयले का उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता था कोयला 18वीं सदी के औद्योगिकरण का महत्वपूर्ण आधार बना इसका औद्योगिक उपयोग कई परिवर्तनों से जुड़ा है 18वीं सदी में इसका उपयोग लौह अयस्क को गलाने तथा लोहा इस्पात उद्योग में किया जाने लगा भाप संचालित इंजन जिसका उपयोग रेलगाड़ी खींचने जहाज चलाने व कारखाने की मशीनों को चलाने के लिए किया जाता था कोयले के बिना संभव नहीं हो पाता वर्तमान में कोयले का उपयोग मुख्य रूप से बिजली उत्पादन में होता है भारतीय भूगर्भिक सर्वेक्षण विभाग ने 2006 में अनुमान लगाया है कि 1200 मीटर की गहराई तक कोयले के तहों में लगभग दो तिरपन अरब टन कोयला संचित है यह विश्व के कुल अनुमानित भंडार का केवल एक प्रतिशत है यह मुख्यतः बिटुमिनस प्रकार का कोयला है जो उत्तम प्रकार का नहीं है इसमें वाष्पीय पदार्थों तथा राख की मात्रा अधिक है और कार्बन की मात्रा पचपन प्रतिशत से अधिक नहीं है अधिकांश भंडार पूर्व प्रायद्वीप पठार की कुछ नदियों की घाटियों में संचित है इस कारण भारत को प्रतिवर्ष पंद्रह से बीस करोड़ टन कोयले का आयात करना पड़ता है भारत में कोयला क्षेत्रों का वितरण भारत में कोयला क्षेत्र निम्नलिखित चार नदी घाटियों में स्थित है पहला दामोदर घाटी झारखंड और पश्चिम बंगाल के कोयला क्षेत्र दूसरा सोन घाटी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश के कोयला क्षेत्र तीसरा महानदी घाटी छत्तीसगढ़ और ओडिशा के कोयला क्षेत्र चौथा गोदावरी घाटी दक्षिण पश्चिम मध्य प्रदेश महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश के कोयला क्षेत्र पेट्रोलियम आधुनिक युग का सबसे महत्वपूर्ण ऊर्जा स्रोत पेट्रोलियम है लेकिन प्लास्टिक और खाद जैसे रासायनिक उद्योगों में इसका बहुतायत उपयोग किया जाता है भारत में 2015 में लगभग चार करोड़ टन पेट्रोलियम उत्पन्न किया गया जो कि हमारे कुल उपयोग के एक चौथाई से कम है इस कारण भारी मात्रा में पेट्रोलियम और उससे बनी वस्तुएं आयात करनी पड़ती हैं 2015 में 19 करोड़ टन पेट्रोलियम और उससे बनी वस्तुएं आयात की गई हमारे सकल घरेलू उत्पादन का लगभग पाँच प्रतिशत इस आयात में लगता है जो कि बहुत अधिक है 1866 में भारत में ऊपरी असम घाटी में तेल खोजने के लिए कुएं खोदे गए परंतु इसका पता 1890 में डिगबोई में लगा अठारह में यही पेट्रोलियम को साफ करने के लिए तेल शोधक कारखाना खोला गया 1899 में असम आयात कंपनी की स्थापना की गई अन्य क्षेत्रों में पेट्रोलियम खोजने का प्रयास किया गया और उन्नीस में नहरकटिया क्षेत्र की खोज हुई 1960 में गुजरात के अंकलेश्वर क्षेत्र वसुधारा से उत्पादन प्रारंभ हुआ 1961 के बाद पेट्रोलियम खोजने का काम काफी तेज किया गया और गुजरात के विभिन्न पेट्रोलियम क्षेत्रों का पता लगा साथ ही असम में भी कई क्षेत्र ढूंढे गए परिणामतः उत्पादन तेजी से बढ़ा यह 1961 से 513,000 हजार टन से बढ़कर 1975 में 6,311,000 हजार टन हो गया तट के निकट अब तटीय समुद्र में खुदाई 1970 में गुजरात के अलिया में प्रारंभ हुई 1970 में गुजरात के अलियाबेत में आरंभ की गई 1975 में मुंबई हाई का पता लगा और अगले वर्ष से उत्पादन आरंभ हुआ लगातार प्रयत्न के परिणामस्वरूप पूर्वी तटीय क्षेत्र गोदावरी तथा कृष्णा गोदावरी बेसिन में पेट्रोलियम का पता चला और उत्पादन शुरू हो गया राजस्थान के बाड़मेर में पेट्रोलियम का बड़ा भंडार पाया गया है भारत में पेट्रोलियम का अनुमानित भंडार 17 अरब टन है यह स्थलीय तथा अप तटीय क्षेत्रों में संचित है कुल भंडार चार क्षेत्रों में वितरित है पहला उत्तर पूर्वी क्षेत्र ऊपरी असम घाटी अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड दूसरा गुजरात प्रदेश खम्भात बेसिन और गुजरात के मैदान तीसरा मुंबई हाई अब तट प्रदेश तथा चौथा पूर्व तटीय प्रदेश गोदावरी कृष्णा और कावेरी बेसिन